प्रयागराज पुलिस बर्बरता की छात्र नेता ने किया घोर निंदा। देखिए खबरें आज भी के लिए, जौनपुर से रियाजुल हक की रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं जौनपुर से, बिहार में छात्र द्वारा की गई अगजनी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में धांधली के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस द्वारा जिस बर्बरता से छात्रों को लॉज में घुसकर मारपीट की गई, उसको लेकर जौनपुर के पूर्व छात्र नेता डीटी कॉलेज सद्दाम हुसैन ने कहा कि माना बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड को द्वारा परीक्षा में अनियमितता बरती गई हो और उसके बाद छात्रों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया और रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंचाई, जो कि सरासर गलत है। हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रयागराज में छात्र लोगों को लॉज में घुसकर इस लाठी डंडे की रात में निहत्ते और बेकसूर छात्रों को मारपीट किया है, वह भी ये सरसरा गलत है। यह पुलिस का अमनीय चेहरा को उजागर करता है। ये गरीब छात्र किसी तरीके से अपने माता पिता से दूर होकर परियोगी परीक्षाओं को तैयारी के लिए यहाँ रहते हैं और देश की भविष्य बनने की कल्पना में भी सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ भी ऐसा होगा, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। आप भूतपूर्व छात्र नेता रह चुके हैं और छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, जो ये तांडव किया है पुलिस वालों ने इलाहाबाद प्रयागराज में, इसको लेकर के आपका क्या वक्त है? देखिए, इलाहाबाद में जो कुछ भी हुआ छात्रों के साथ, ये बहुत गलत हुआ। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि छात्रों ने जिस तरह से आज जिनी ट्रेन या बस में किया है, सरकारी संपत्ति को इस तरह नुकसान पहुंचाया, ये सरासर गलत। उनका और भी तरीका होने था प्रोटेस्ट करने का, अपनी बातों को रखने का, और भी चीज़ थी अपनी बातों को रखने की, और भी आइडिया था, मगर ये जो आगजनी हुई है ट्रेन या बसों में, इस तरह से आगजनी छात्रों की तरफ से करना, ये सरासर बिहार में हुई है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। उसी बात को लेकर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो छात्रों को लाज में घुसकर पुलिस की तरफ से परेशान किया जाना, इतनी बुरी तरह से पीटना मारना, ये सरासर गलत है। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, किसान अलग से परेशान है। ये भाजपा की सरकार आखिर करना क्या चाहती अब तो चुनाव आपके, है, आपके प्रेस के आपके प्रेस के माध्यम से मैं अपना सवाल ये खुद पूछना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से जो इलाहाबाद में लॉज में घुस घुस कर छात्रों के साथ इतनी बुरा बर्ताव किया गया, वो कौन से आतंकवादी हैं, वो कौन से उग्रवादी हैं, किस वजह से उनको इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया? लोग बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं नहीं था, कितनी तरह की वीडियो, कितनी तरह की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये सब देखकर कलेजे कांप जाते हैं। मैं भाजपा सरकार से, मोदी जी से, असम योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि जनता को सुकून चाहिए, ये धर्म की राजनीति, ये नफरत की राजनीति नहीं चाहिए। आप ये नफरत की राजनीति करना बंद करिए और आप ये छात्रों को नौकरी दीजिए, जो भूखे हैं उनको खाना दीजिए, कम से कम सुकून से जनता जिस तरह से अपना जीना चाहती है, जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं कम से कम उतने दिन तो आप उनको सुकून से सुकून दे दीजिए। छात्रों के साथ इस तरह से जितना भी प्रताड़ित किया जा रहा है उनको, ये सरासर गलत है। ठीक,